गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं आपसे बात करने नहीं आ पाया, उसके पीछे कारण था कि एक हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डायबिटीज अपडेट्स के ऊपर चल रहा था। उसमें एक पोर्शन जो है वो मेरा पोर्शन था, तो उसको मुझे अटेंड करना था एक्चुअली। मतलब जो है वो आपको बोलना भी होता है आपको, तो चूंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था तो उसका जो टाइमिंग था वो इंडियन स्लॉट के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर रहा था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग जो है मॉर्निंग 4 AM से जो है वो उस कॉन्फ्रेंस को मुझे अटेंड करना पड़ा, तो इसलिए मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में कल आ नहीं पाया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जितने ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं, क्योंकि दुनिया भर के डॉक्टर्स जो है वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा होता है, सीखा होता है, रिसर्च में जो सामने आया होता है उसको वो डिस्कस करते हैं। कोरोना के चलते जो है, मतलब समझ लीजिए कि 2020 और 21 में भी अभी 3 महीने तो निकल ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब मेरे को यदि पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे सर आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा यही हुआ कि मैं कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर जाया करता था मेट के। अब मुझे पता नहीं, समाओ मुझे वर्चुअली जो है वो मजा नहीं आता मुझे, मतलब कल मैंने अटेंड किया बहुत समय के बाद में, अदरवाइज आई डोंट प्रेफर वर्चुअल, क्योंकि जब जो आप 1-to-1 पर्सन से मिलते हैं, आप डिस्कस करते हैं, फिर जब जो कॉफी ब्रेक होता है, टी कॉफी ब्रेक जो होता है, लंच होता है, उसमें आप जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर से पर्सनली मिलते हैं, इनफॉर्मल बातें करते हैं, उनके सेटअप के बारे में जानते हैं, तो वो वर्चुअल में पॉसिबल नहीं है। पता नहीं, मतलब मुझे इस कई बार ऐसा लगता है कि वर्चुअल मीडियम जो है, आप बोलेंगे सर आप भी तो ऑनलाइन मीडियम में पढ़ाते हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं तब भी आपको बोलूंगा एक चीज की, जो ऑफलाइन का जो फील है ना, देखो मैं प्रेज नहीं कर रहा ऑफलाइन ऑनलाइन को कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ, परंतु पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पर्सनल बॉन्डिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और हालांकि हम लोग तो अपने ऑनलाइन लेक्चर में पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे कनेक्टेड रहें हम, लेकिन जो है जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक बोल रहा होता सबको सुनना पड़ता है म्यूट करके, ठीक है, कोई बीच में बोलता भी नहीं, तो बहुत बोर होती है यार, बहुत बोर होती है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग जब इन पर्सन जाया करते थे, जैसे मैं कई कंट्री बताऊँ, मैं ना कई कंट्री कभी घूमने नहीं गया हूँ, मैं कई सारी कंट्रीज में केवल मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया हूँ, और वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ के कल्चर के बारे में, अलग डॉक्टरों से मिला, डॉक्टर से जैसे आप कतर के डॉक्टर से मिलोगे उसका अप्रोच अलग होगा, आप इसराइल के डॉक्टर से मिलोगे उसका अप्रोच अलग होगा, अमेरिकन डॉक्टर से मिलोगे, इंग्लैंड के डॉक्टर से मिलोगे आप, वहीं सूडान के डॉक्टर से मिलोगे आप, पाकिस्तानी डॉक्टर से मिलोगे आप, अप्रोच अलग होगा। आपको बताता हूँ मैं बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ मैं, कि जैसे हम लोग यहाँ पे जब अपने देश में रहते हैं, तो हम लोग पूरे समय भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत के आसपास के बॉर्डर की हम बातें करते रहते हैं, कि हमारे अंदर जो है बहुत सारा जो है वो, कि हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमारे ऐसा कर रहा है, बहुत दिमाग में बात होती है। लेकिन आपको सबसे मजे की बात बताऊँ, जब भी मैं कहीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहीं बाहर गया हूँ, तो सबसे अधिक क्लोजनेस जो है ना, वो हमारे पड़ोसी देश के डॉक्टर्स ने ही दिखाई है, जबरदस्त डॉक्टर है कहीं, कुछ श्रीलंका में जो डॉक्टर थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे डॉक्टर वोट के, फिर मुझे जो है वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ डॉक्टर का, एक पाकिस्तानी डॉक्टर मुझे मिली, और वो डॉक्टर जो है वो बहुत ही, मतलब सोचिए कि फार्माकोलॉजी में PhD कर रही थी वोट के, और उनका कोई इंटरनेशनल, उनका हार्वर्ड वार्वर्ड में भी हो गया सिलेक्शन, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेलेक्ट हो गई है, वो वहाँ पढ़ने भी गई है अभी, मतलब फैंटास्टिक लोगों से आप मिलते हैं, दुनिया घूमने की चीज़ें, वहाँ जब घूमते लोगों से मिलते ना, तो बहुत कुछ सीखते हैं आप, ठीक है। चलिए, ये तो मैं अपने, तो मैं कल इसलिए नहीं आ पाया, तो कल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि लेकिन काम भी तो जरूरी है यार, है ना, ठीक है। और वो काम क्या था, वो मतलब जरूरी काम था, ठीक है, फिर दिन में मुझे वक्त नहीं मिल पाया एक्चुअली। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लाइफ में जो है किसी चीज को, किस को कितना हम, मैं एक बार हमेशा आपसे बात करता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए अंदर, ठीक है ना, हर चीज़ को धन्यवाद कहना सीखिए, हर चीज़ को मैसेज जो है वो आप कभी भी ना, मैं हमेशा कहता हूँ आगे बढ़ने के लिए भविष्य को देखना, भविष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए आज को देखकर भविष्य की तैयारी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन पास्ट की बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन पास्ट में यदि किसी आदमी ने हमारी कोई हेल्प की है ना, वो याद रखना चाहिए। जब मैं ग्रेटिट्यूड की बात करता हूँ तो मैं क्या फील करता हूँ आपको बिल्कुल खुलकर बोलूँगा मैं, कि आप उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज की जनरेशन में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो मिसिंग है ना, वो है ग्रेटिट्यूड मिसिंग है। मतलब आज क्या होता है कि कोई यदि हमारे लिए कुछ करता है, तो हमारे दिमाग में झट से ये बात आती है कि पता नहीं क्या इसका बिजनेस परस्पेक्टिव रहा होगा, क्यों धंधा कर रहा कर रहे हैं, ये कुछ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमको पता नहीं, इसको बड़ा फायदा हो रहा होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, आज की जनरेशन नंबर 1 शक करती है। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है
कि फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है ना वो कम होता चला जा रहा है। देखो बेटा, मैं किसी को लेवल नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि वो कम होता चला जा रहा है। और हर चीज का व्यवसायीकरण, हर चीज का जो है वो कमर्शलाइजेशन जो है वो बहुत, सोचिए कि भावनाओं का, इमोशंस का भी कमर्शलाइजेशन जो होता चला जा रहा है। अभी मैं कई बार देखता हूँ कि ऐसे भी एप्लीकेशन आ गए हैं कि भाई इफ यू आर फीलिंग लोनली देन कॉल अस देन कॉन्टेक्ट अस। अरे भाई, हमें यदि अकेलापन लगेगा तो हम आस पड़ोस बात करेंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, ऐप पर जाकर एक स्ट्रेंजर से बात क्यों करेंगे हम, कोई क्राइम घट जाए, दुर्घटना हो जाए, क्यों करेंगे हम। ठीक, मतलब अकेले लोगों ने भी एक ऐप बना लिया और एक दुनिया बना ली ऐप की। ठीक है कि भैया हम अभी अकेले हैं सब, मतलब अपने आस पड़ोस में लोगों से संबंध नहीं बनाएंगे, अपने घर में संबंध नहीं बनाएंगे, मतलब जिससे बात करना है उससे स्ट्रेंजर से बात करेंगे। मतलब वी आर गोइंग इन विच, मतलब क्या डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक, तो वो बड़ी चीज है। चलिए, तो अब मैं आपको ग्रेटिट्यूड पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक दिन क्या होता है कि एक जो है लेडी, एक महिला जो है वो एक बड़ी सी लग्जरी कार, बेंटले जैसी बड़ी कार होती है, एकदम लश कार। बेंटले समझते हो, बहुत महंगी गाड़ी है, 4-5 करोड़ की गाड़ी है। आप समझ लो कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये वो रोल्स रॉयस बेंटले वही यूज करते हैं लोग। ठीक है, ठीक, आप बोलोगे फिल्म स्टार के एग्जाम्पल के लिए, तेरे भैया मुंबई में रहता हूँ, मायानगरी मुंबई है, फिल्म सिटी, यहाँ पर सब कुछ तो यहाँ पर है, तो मैं मुंबई की फिल्मों के एग्जाम्पल ले लूंगा क्या एक्टर्स के। ठीक है, तो जो तो बेंटले सी बड़ी गाड़ी से एक महिला जो है वो जा रही होती है, तो देखती है वो सड़क किनारे कि एक आदमी भीख मांग रहा है, बड़े खराब से कपड़े हैं उसके, भीख मांग रहा है। तो अपने ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी रोको। ठीक है, तो वो गाड़ी रोक देता है, गाड़ी से उतरती है और उस भिखारी के पास जाती है और उससे बोलती है कि हाउ आर यू, कैसे हो। तो बोलता है कि कैसा हूँ, ये कोई प्रश्न है, या आप मेरे जो मैं हूँ उसका आप मजाक उड़ा रही हैं। मैं होमलेस हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, होमलेस का बोर्ड लगा हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड में क्या होता है कि जब आप कभी, मतलब बता रहा हूँ कि जब कभी आप सड़क पर निकलेंगे ना, तो आपको जो है वहाँ पर हमारे जैसे भिखारी नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ के भिखारी क्या होते हैं कि वो है ना अपना जो वो लेके पीछे पड़ जाते हैं आदमी के, मंदिर मस्जिद के बाहर बैठे होंगे और एकदम पीछे पड़ जाएंगे आपके। तो वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो भिखारियों ने भी अपनी गरिमा मेंटेन कर रखी है, भिखारी ने भी अपनी गरिमा मेंटेन कर रखी है। बकायदा बोर्ड लगा होता है, आई एम होमलेस, आई नीड शेल्टर, आई नीड फूड, ठीक है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, ऐसा बोर्ड लगा के वो बैठ जाएगा सड़क के किनारे के। आप जो आदमी निकलेगा वो कुछ नहीं बोलेगा, आदमी से ना रोकेगा ना टोकेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप सिर्फ देखेगा आपकी तरफ, वो होमलेस है, फूड नहीं है, तो आप उसके जो कैप रखा होता है जनरली, कैप या कोई बॉक्स, उस पर आप पैसा डाल दीजिए, थैंक यू बोलेगा और आप आगे निकल जाएगी बस। ठीक है, ऐसा भिखारी पन जो है वो अमेरिका में मतलब देखने मिलता है रोड के किनारे। ठीक है, तो वो बोलता है कि इज दिट, मेरा मजाक उड़ा रही है क्या, हमारी जोक में मजाक हूँ क्या, होमलेस हूँ, फूड नहीं, खाना नहीं खाया मैंने। बोलती तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। तो उसने कहा कि आपको मदद करने के लिए पूछने की, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ इसीलिए। फिर वो लेडी बोलती है कि अच्छा, कॉफी पियोगे। तो उसको लगता है कि प्लीज आप मुझे अनॉय मत कीजिए ना, मैं मतलब वैसे ही परिस्थितियों का मारा आदमी हूँ और इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरा स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ और बीमार रहता हूँ, तो मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता है, तो आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, प्लीज आप जाइए ना, आप तो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हैं आप, तो मेरे को क्षमा कीजिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। वो लेडी वो उसका हाथ पकड़ती है ऐसे कंधे से, बोलती उठो चलो। तो बोलता है कि मैडम व्हाट आर यू डूइंग, क्यों ऐसा कर रही हो। इतने में एक पुलिस वाला वहां से आता है, पुलिस वाला बोलता है कि मैडम, वो देखता है बड़ी लंबी गाड़ी खड़ी हुई है और बहुत एकदम जैसे बोलता है ना महंगे कपड़े पहने हुए, एकदम अलग अलग था, एक इलिट क्लास होता है, देखो ऐसा है इलिट क्लास होता, तो हम लोग तो मिडिल क्लास है कि जब कभी हम जो है वो इलिट क्लास की पार्टी में जाते हैं। मैं ना एक बार जो है अम्बानी जी के जो है वो बेटे की शादी में गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो है वहाँ पे कुछ फिल्म स्टार्स भी आया हुआ था, एक ग्रीक्स की फिल्म स्टार आई हुई थी, उनका जो उन्होंने पहना हुआ था वो जो गाउन पहना, नाइट गाउन, पार्टी गाउन था, वो ऐसा था कि उसमें 1-2 फीट दूर आपको रहना पड़ेगा उनसे, क्योंकि 2 फीट तक तो वो जमीन पर सरक रहा था वो गाउन, जैसे पुजारी फिल्मों में देखते ना कि वो राजा महाराजा गाउन सरकते हुए चलते जमीन पर,
कोई पैर रख के निकल जाए। लेकिन लोग लोग क्या है वो वैसे सोफिस्टिकेटेड लोग थे, अपन भी ऐसे थोड़े ना, अपन बिल्कुल टाई वाई कोट वोट रखे तो सोफिस्टिकेटेड टाइप गए हुए थे थोड़े ना, कैसे कैसे इधर भी देखे सब अपने अपनी गरिमा में मेंटेन रखते सारे लोग, ठीक है। तो अब बोलोगे कार्ड कहाँ से मिला के, वो सब छोड़ो, वो सब बातें छोड़ो, ठीक है ना, मतलब गए थे तो देखा तो वहाँ तो वैसा वैसा बकायदा, तो वो एकदम देख के समझ आता है कि मतलब ये तो कुछ अलग ही है, मतलब ये मतलब टीनिंग टीनिंग मतलब कोई अलग से दुनिया में अलग ही बनाया गया है इनको, अलग से ही लॉन्च किया गया डायरेक्ट, ठीक है ना, एलियन सॉर्ट ऑफ लगते हैं। तो खैर बाकी लोग तो अपने जैसे होते हैं 90% लोग, लेकिन ये कि हाँ 10% लोग तो वो वैसे देख रहे थे कि एकदम उसकी बहुत ही रिच टाइप की लेडी हो। तो पुलिस वाला बोलता है कि भैया, बोलता है कि मैडम मैं आपकी कुछ दिक्कत है क्या, बोलती कुछ नहीं मैं इनको थोड़ा उठा रही हूँ। तो बोलते वो अब पुलिस वाला तो बोलता है कि मैडम क्यों, बोलते मैं इसको बोल रही हूँ कि ये सामने कॉफ़ी शॉप है, मैं इसको कॉफ़ी पिलाऊंगी सैंडविच खिलाऊंगी, पर ये तो बोलता है मुझे नहीं खाना कॉफी सेंटर, भिखारी बोलता मुझे नहीं खाना कॉफी सेंटर। तो पुलिस वाला बोलता है कि मैडम आपको इतने रिस्पेक्ट से पूछ रही है सामने वाले कॉफी शॉप में सैंडविच और उसके लिए, चलो उठो। अब पुलिस वाला बोलता है थोड़ा जोर से बोलता है तो वो उठ जाता है बेचारा, उठा के उसको लेके वो दोनों लेके उसको सड़क के उस तरफ जो है अपोजिट साइड में कॉफी शॉप होता है, बढ़िया अच्छा प्रीमियम कॉफी शॉप होता है, वहां लेके जाती है। जैसे ही गेट में एंटर करती है अंदर तो लेके उसको अंदर फर्स्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। तो मैनेजर आता कॉफी शॉप को बोलता है मैडम प्लीज वी वॉन्ट अलाउड दिस काइंड ऑफ पीपल, हम इस तरह के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि भिखारी टाइप के जैसे आप देख रहे हैं इनको, ये अंदर आएंगे तो फिर हमारे बाकी कस्टमर जो है वो इधर जाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे कॉफ़ी के लिए, तो प्लीज़ आप इनको बाहर कर दीजिए ना, ठीक है, मैं कॉफ़ी आपको गो टेके जो है वो अपना टेके गो कॉफ़ी कर देता हूँ मैं, मतलब आप उसको जो है वो पैक कर देता हूँ कॉफ़ी, आप बाहर पिला दीजिए। बोलती नहीं यहीं बैठेंगे, बोलता मैडम ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। बोलते अच्छा क्या तुम ईडी एंड कॉरपोरेशन का नाम जानते हो? जी हाँ मैडम, कौन नहीं जानता उसका नाम, वो तो लॉस एंजल्स की सबसे बड़ी जो है वो बैंकिंग फर्म है, पैरा बैंकिंग फर्म है, और उसने तो यहाँ पे कई सारे बिजनेस को उसने जो है वो लोन दे रखा है यहाँ पर, और बहुत बड़ा फर्म है वो तो ना, कौन नहीं जानता उसको। तो बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे कॉफ़ी शॉप से क्या संबंध है ईडी एंड कॉरपोरेशन? बोलते मैडम आपको क्या करना है? बोले नहीं आप बताइए ना एक मिनट के लिए। बोलते वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो बोलती है देखो ऐसा है, तुम्हारा कॉफ़ी शॉप फाइनेंस भी उन्होंने किया ईडी एंड कॉरपोरेशन ने, तुम्हारे कॉफ़ी शॉप में हर सैटरडे को जो है एक मीटिंग होती है यहाँ पे, जहाँ पे उनके एम्प्लॉय आते हैं और नॉन फॉर्मल डिस्कशन होता है, तो हर सैटरडे तुमको जो है वो उसका कई सारे 100-200 लोग आते हैं, इसका तुमको बिल भरते हैं वो लोग, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कॉफ़ी शॉप को बहुत फ़ायदा होता होगा उनसे। जी हाँ मैडम, आपको पता है मैं कौन? नहीं, मैं ईडी एंड कॉरपोरेशन की सीईओ हूँ, और तुम मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जो है वो बिजनेस को खोना नहीं चाहोगे इस एक आदमी के पीछे। तो मैनेजर से नीचे कर लेता होता कि ओके मैडम नो प्रॉब्लम ना। अब वो मैनेजर चला जाता है, उसे लगता है भैया कि इस एक आदमी के पीछे मेरा इतना बड़ा धंधा चला जाएगा। फिर वो कॉफ़ी तो वो आदमी बोलता है देखिए आपने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी, देखो वो मैनेजर मुझे ऐसा भिखारी भिखारी मेरे सामने ही बोल गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को मुँह पे सुनना तो अच्छा नहीं लगता नटके। तो वो उसे कॉफ़ी पिलाती हैं, सैंडविच खिलाती हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे पूछती हैं आदमी अच्छा एक बात बताइए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं क्या, आपने मुझे पहले कभी देखा है क्या, लेडी पूछती है। तो वो आदमी कहता है, वो भिखारी बोलता है, वो जो आदमी होता है वो कहता है कि मुझे चेहरा आपका जाना पहचाना लग रहा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोलती है अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम 20 साल पहले लूटते हैं, जब मैं 20-21 साल की थी और मैं लॉस एंजल्स की सड़कों पर जो है वो घूम रही थी क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट पास हुई थी और उस समय मंदी का दौर, उस समय अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था, और उस मंदी के दौरान जो है मुझे जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मैं अपना घर छोड़ चुकी थी, मेरी जो है मदर थी नहीं और मेरे फादर ने एक सेकेंड मैरिज कर लिया था, तो मैं वो घर छोड़ के अपना पढ़ने आ गई थी। और जैसे मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया उसके बाद मुझे जो है वो मैं कहीं छोटी जगह में जॉब करती थी, वो जॉब मेरा चला गया, नया जॉब मुझे मिला नहीं, उसके बाद फिर मेरे को मेरे मकान मालिक ने निकाल दिया कि मेरे पास रेंट भरने के पैसे नहीं थे। तो मैं अपना सामान लेके जो है वो सड़कों पर थी और मैं कम से कम 5 या 6 रातें मैंने सड़क पर गुजारी और मैं सामान को कहीं पर जो है किसी के जगह पर सुरक्षित रखकर उसके बाद मैं जो है वो पूरे दिन काम ढूंढती थी। याद है आपको कि एक दिन क्या हुआ था कि एक दिन जो है वो मेरे को कुछ काम नहीं था, मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे, तब आपकी कॉफी शॉप पे मैं थोड़े से पैसे लेके आई थी और आप इसी कॉफी शॉप में काम करते थे, याद है आपको 25 साल पहले? बोलता है मुझे याद है अच्छे से, इसीलिए मैं इस कॉफी शॉप में आना नहीं चाह रहा था।
उस समय मैं आपके पास में कुछ सेंट्स लेके गई थी वहां पे, और मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो है वो जो भी खाने मिलता हो उतने पैसे में आप मुझे दे दीजिए। तो आपने पूछा था कि क्या करती हो, तो मैंने कहा था मैं नो जॉब ढूंढ रही, जॉब चली गई मेरी मंदी के चलते। तो आपने बोला कि ठीक है, तुम कब से खाना नहीं खाया? मैंने बताया 3 दिन से मैं खाना फूड नहीं ले पाई हूँ प्रॉपर। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप पैसे अभी अपने पास रखो, मैं बाद में ले लूँगा। ठीक है, तब आपने मुझे एक अच्छा सा बड़ा वाला सैंडविच जो है वो सैंडविच दिया था मेरे को, एक बर्गर था वो दिया आपने मेरे को। ठीक है, सैंडविच दिया आपने, और आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई आपने मुझे। ठीक है, आपने एक सैंडविच पैक भी कर दिया एक तुम्हारे दिन के लिए। ठीक है, और मैंने देखा कि आपने आपने जो है मुझसे तो आपने जो है 20-25 सेंट थे जो मेरे पास, जो थोड़े से पैसे वो लिए थे, लेकिन आपने अपने पॉकेट से पैसे मिलाकर आपने ड्रॉर के अंदर डाले थे, तो याद है? तो पता है फिर क्या हुआ? बोला नहीं पता। उसके बाद फिर मैं है ना जॉब के लिए एक बैंकिंग फर्म में गई। उन लोग, चूंकि मैं खाना खा चुकी थी, मेरा मेरा दिमाग एकदम शांत था, और मैं जो है फिर अब बैंकिंग फर्म में गई, तो उन बैंकिंग फर्म वालों ने मुझे जॉब पर रख लिया। ठीक है, उसके बाद की कहानी है कि मैंने अच्छे से काम किया, और आज मैं उसी बैंकिंग फर्म की जो है मैं आज CEO हूँ, और मैं कई हजारों कई करोड़ों डॉलर का व्यापार जो है वो संभालती हूँ। ठीक है, जस्ट क्योंकि आपने मुझे उस दिन, जिस दिन मैं यदि उस दिन मैं भूखी थी, उस दिन यदि मेरे को फूड ना मिलता तो शायद मैं उस इंटरव्यू को मिस करती, उस इंटरव्यू को मिस करती तो वहां तक मैं ना पहुंचती। तो आपकी उस एक सैंडविच ने, उस फूड, उस हेल्प ने जो है वो मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में बड़ी रोल भूमिका निभाई। आज मेरी बारी है, इसलिए मैंने वो कर्जा उतारने के लिए आपको बोला कि आप जो है आपको मैं सैंडविच खिलाऊंगी उसी जगह पर, वहीं पे। और याद है आपको, मैंने जो सैंडविच आपको खिलाया ये वही सैंडविच है, वही यही सैंडविच आपने मुझे उस समय खिलाया था, वही मतलब वही 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 फूड ऑर्डर किया था। और कल आप एक काम कीजिएगा, कल आप मेरे ऑफिस आके मिलिएगा, मेरा मैनेजर है उससे आप ये मैं कार्ड दे रही हूँ, मिलिएगा आप उससे आके, कल आपके लिए कोई ना कोई काम ऑफिस में ढूंढेंगे हमारे ऑफिस में, और आप मेरे साथ काम करेंगे, आप अब ये रोड पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कहानी खत्म होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वो लेडी की कभी किसी ने आज के 20 साल पहले कहीं पे एक सैंडविच खिला के मदद की थी, और आज उस आदमी को, उस लेडी ने, इतनी बड़ी, चाहती तो नेगलेक्ट करती निकल जाती, चाहती तो चार बातें सोच लेती कि अरे ये कुछ नहीं कर पाया होगा, ये तो वैसे भी वहां पे फूड को ऑर्डर लिया करता था ये आदमी, ये क्या करेगा। तो कई बार आदमी क्या होता है कि छोटा आदमी ने भी कोई मदद की तो उसको वो नहीं नहीं रिकॉल करता उसको। तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज मिसिंग एक्चुअली में, और हमें वो रखना चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना चाहिए, हमें जरूरत पड़ने पर लोगों के काम आना चाहिए। कि देखा आपने कि वो यदि वो उस समय नहीं घटा होता तो वो लेडी आज यहां तक ना होती। हर चीज का एक पर्पस होता है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हम जब किसी की मदद करते हैं हम नहीं जानते कि वो कहां पहुंचेगा। मेरा पढ़ा एक बच्चा जो है वो अमेरिका में बहुत अच्छा कार्डियो थोरेसिक सर्जन है। के वो बताता है कि सर मैं गांव से था, बिलोंग करता था, और आपने मेरी फीस नहीं ली, आपने मेरे को हेल्प किया, बुक्स दी पुरानी अपनी, और उससे मैं आज जो है वो पहली स्टडी मेरी वही थी, उसके बाद फिर मैंने ग्रो किया। जब उसके पास में उसको एडमिशन लेना था कहीं पर, उसको उसके कुछ पैसे की कमी थी, MD के समय कुछ कुछ लेना पड़ता है सामान, तब मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं दे देता हूँ, तुम बाद में लौटा देना। वो लौटा भी दिए उसने। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जो है, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, आपके जहां मौका मिलता है हमें किसी की मदद करने का, मदद करने का मतलब मैंने हमेशा कहता हूँ, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बायोमेंटस के मटेरियल जो है वो इधर उधर ग्रुप में डालना शुरू करते हैं, वो ऐसे वो मदद देती, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से के साथ में गलत बात आती है। क्योंकि हम लोग इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से चला पा रहे हैं। आप लोग नहीं होंगे यदि, आप जो स्टूडेंट जो जुड़े हैं सब्सक्राइबर बन के वो नहीं होंगे तो हम नहीं चला पाएंगे। तो वी कैन नॉट, मतलब मैं अकेले से, आप बोलोगे तो मुझे अकेले में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं जो है वो 100-150 लोगों की टीम को मैनेज कर सकूं, मतलब उसकी सैलरी दे सकूं मैं। वो सब आप लोग हैं जो हेल्प करते हैं उस पूरे में। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखिए, जिंदगी में ग्रेटिट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कीजिए, और भूल जाइए उसके बाद में, मदद करने के बाद भूल जाइए। आपको बता रहा हूँ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छे कर्म लौट कर आते हैं, और बुरा करेंगे तो बुरा भी लौट के आएगा। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।